पीछे मंदिर दिख रहा, यहीं से एक थंबनेल निकाल लूंगा ऐसे करके, साइड से दिखाता हूँ मंदिर क्या बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया। गाइस चेक आउट द ब्यूटी, क्या सेक्सी लग रही है ना। ये भी यादगार रहेगा एक, ये सारे पार्ट टूटे हैं मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो भी बच गया, सिर्फ इंडिकेटर गया और ये फेयरिंग आएगा। लो भी फुल हो गया रेडी हम, और आशु भाई कार्तिक और अपन हो गया रेडी। बस आज एक चीज़ की दिक्कत लग रही है मेरे को, अपना मणि भी नहीं आया और बाइक साफ़ करी थी पर साफ़ हुई नहीं है, तो आके इसको अच्छे से क्लीन करवाएंगे, गंदी बहुत लग रही है। कोई बात नहीं, अब फटाफट निकलते हैं संडे राइड की तरफ। आज का प्लान बस छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है। अभी का सीन है कि कार्तिक की बाइक में तेल नहीं है, तो उसने डलवाना पहले पेट्रोल, और अपनी बाइक हमने कल ही फुल करवा ली थी। एंड हम करते यहाँ पे थोड़ा सा वेट जब तक वो भी अपना फ्यूल फुल करवा के आ जाएगा। एंड ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी टाइम के बाद पेट्रोल पम्प के साथ, और भाई ब्लैक कलर वैसे लगता था एकदम हमेशा कैंट ही है, बट आज थोड़ा सा डर्टी सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर देना तुम्हारे भाई को। कोशिश करी थी साफ़ करने की, बस साफ़ नहीं हुई। कोई बात नहीं, आज राइड से आके इसको फटाफट कराना है क्लीन। एंड इसका मैंने क्लेम दे दिया था, इसका क्लेम भी जल्दी करवा के सारे पार्ट्स मैं चेंज करवा दूँगा, उसके बाद हमारी रानी हो जाएगी नई नवेली एकदम प्यारी दुल्हन की तरह। एंड काफ़ी टाइम से मैंने बताया नहीं, मैंने पीछे बैठने वाले जो वो पैर रखने वाले होते हैं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम नहीं पता, आप कमेंट करके बता देना क्या बोलते हैं उसको, तो हमने उतार दिए थे। और जल्दी इसका सीट कॉल भी आ जाएगा, फिर ये सिंगल सीटर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। और अभी भी तुम्हारा भाई किसी को नहीं बिठाता पीछे, किसी को भी नहीं, क्योंकि मेरे तुम्हारे भाई को सिंगल चलाना ही पसंद है, और एक रानी के पीछे दूसरी रानी नहीं बैठेगी, ये लिख के ले लो बात, और लगती तो हमेशा ही कैंट है। तो जल्दी से उनका फ्यूल फुल करके निकलते हैं और आगे करते हैं नवी नवी बातचीत। और तुम्हारा भाई एक और चीज़ कहना चाहता है कि फ़ोटो अच्छी लग रही है, बस उसकी जगह ये अपनी बाइक होती ना और प्यारी लगती। एंड मैं कहना चाहता था कि ब्लॉग्स ना अब पहले के रिगार्डिंग काफ़ी फास्ट और सही आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, और तुम्हारा भाई बस लगा हुआ है एडिटिंग में लगा हुआ है। इस बात को मैं क्लियर करूँगा और पूरा करूँगा आगे जाके, अभी बस एक छोटी सी बात। रुकना है, रुकना है, नहीं मेरे को लगा पीछे रह गया। चल अपा चले फिर तीनों ही। तो गाइस आज की मंजिल का हमने एक पड़ाव पार करने ही वाले हैं, उस पड़ाव के हम शुरुआत में पहुंच गए हैं। बाकी सूर्य देवता देखो कि नहीं, बढ़िया और मस्त लग रहे हैं, क्या बढ़िया आज गर्मी बरसाएंगे ना। यो इश बॉय, यो यो इश बॉय। तो गाइस सूरज की किरणें पूरी तेज पड़ती हुई, और ये इस कट पे हुआ है कुछ खतरनाक चीज। गाइस चेक आउट द ब्यूटी, क्या सेक्सी लग रही है ना। ये भी यादगार रहेगा एक भाई, लेकिन ये चीज काम की है भाई, तेरा भाई जल्दी लगवाएगा ये चीज, इसने लीवर बचा दिया, पूरा क्रैक हो गया। हाँ नहीं मैं तेरे को कहने लगा था लगा ले भाई मिरर, ये सारे पार्ट टूटे हैं मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो भी बच गया, सिर्फ इंडिकेटर गया और ये फेयरिंग आएगा, बस इससे ज़्यादा नथिंग। बाकी ये जो सामने कट है ना, इस कट पे ये कांड हुआ, बाइक बैलेंस नहीं हुई और वो जाके सीधा फूम बजी उस वाले पौधे में, वो दिख रहा है वो टेढ़ा वाला पौधा, उसमें बजी है वे तेरे, अपना बनी जा रहा था देख के पहचान लिया, ये बंदा भी कैंट है भाई, दिल का बड़ा साफ है। बाकी चलो ज़्यादा वेट ना करते हुए निकलते हैं, और जो होना था वो तो हो ही गया।
कुछ और बात करनी थी आप सबसे, बट अब ये बात कर रहा हूँ तो भाई को माफ़ करना। और भाई स्पीड स्लो थी, बस बाइक बैलेंस नहीं हुई और रोड़ी बरोजरी आ गई बीच में, वहाँ पे पड़ी ने उसकी वजह से कांड हो गया। शुक्र स्लो थी स्पीड, इसलिए बच गया। अब निकलते आगे को, कहीं जगह रुकेंगे। भैया सामने वाला बंदा है ना, इसकी बस चेक करना जरा अभी टर्न पे, क्या टर्न मारेगा आज भाई क्या रहा कुछ भाई बहुत गंदा। अभी तो ये स्लो लेके जा रहा है पीछे, देख देख पूरी पूरी डाउन होगी एक साइड को, पूरी डाउन होगी भाई एक साइड को। अभी पीछे कटता भाई, उसमें इसने क्या काटी है भाई, बस पूरी ऐसे हो गई थी, पूरी पूरी ऐसे। और मैं सोच रहा हूँ गया 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 बस गया भाई, इसकी टांग गलत ही चला रहा भाई, सारे गलत चला रहे आज भाई। निकल आगे, हाँ इससे निकल आगे फटाफट, बाकी का कुछ पता नहीं। टाइम ज़्यादा हो जाएगा यार, अभी का सीन है ट्रैफिक बहुत है। आज ब्यास वाले बाबा जी का सत्संग है ना यहाँ, भाई बहुत ट्रैफिक है ना। अपन यू टर्न मार लेते हैं, वहीं कहीं वापसी में रुक जाएंगे, यू टर्न मार लेते हैं वापसी में, वहीं कहीं रुक जाएंगे। कार्तिक कहाँ था, पीछे था, हाँ चल कोई नहीं, कार्तिक का वेट करते हैं और यहाँ से आगे से यू टर्न मार के ना चलते हैं, क्योंकि इसको भी ऑफिस जाना है दोबारा, टाइम से पहुँचेगा और हम भी बस खाना खुना खा के निकलेंगे, भूख भी बहुत लग रही है। ये मेरे ख्याल वो आगे तक पूरा जाम भरा हुआ है। चलो यार क्यों ट्रैफिक में फंसना, ये भी लेट होएगा काम को ऑफिस के लिए, वापस ही चलते हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे यहाँ पे, मतलब ना जटोली टेम्पल है शिव जी का आई थिंक, वहाँ पर जाएंगे हम, मस्त बैठेंगे वहाँ थोड़ी देर, उसके बाद आ जाएंगे। ट्रैफिक बहुत था भाई, कह रहा यार हम तो बेले ही है, बाकी जिसने ऑफिस जाना था वगैरह कोई नहीं, हम वापस मुड़ जाएंगे टाइम टू टाइम, यही थोड़ा सा ट्रैफिक है, वहाँ से हम निकल गए फिर। और अभी मणि ओ क्या ना आशु सबसे आगे चल रहा है, उसके ओहो खड्डे खड्डे भाई, अभी उसके पास मैप लगा रखा है फ़ोन में उसका, मतलब हमारे पास फ़ोन माउंट नहीं है ना, उसके पास फ़ोन माउंट है तो उसमें लगा दिया मैप, और हम सीधा बस अब उसके पीछे पीछे जाएंगे फटाफट, और जाके वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे वापस, फिर वापसी आप तक कोई खा खू पी लेंगे, फिर फटाफट घर टाइम से हो जाएंगे बिल्कुल। वाह क्या सही मंदिर है यार, क्या बढ़िया आर्ट बना रखा है ना। ओह भाई बोल शंकर भगवान की जय, क्या मस्त कलाकारी कर रखी है साहब, यहाँ तो बहुत दो बाइक है। नहीं सुपर बाइक, आशु ने अपनी बाइक हमारी पैंथर को नाम दिया है सुपर बाइक। वो भाई साहब नज़ारा दिखाऊं, क्या बढ़िया नज़ारा है ना, क्या बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम एकदम बढ़िया लग रहा है। जल्दी से अंदर जाते हैं और फटाफट महादेव जी के दर्शन करते हैं। ये मंदिर की एंट्रेंस है, यहाँ फटाफट हाथ मुँह धोते हैं, जूते हमने नीचे उतार लिए, और ओ देखो लोकेशन क्या सही है ना, और वहाँ पे हमारी बाइक लगी है, मेरी बाइक पीछे लगा दी मैंने छाँव में वहाँ साइड, वो फटाफट फटाफट हाथ मुँह धो के निकलते हैं। यहाँ से बढ़िया लग रहा मंदिर वैसे, देखिए अंदर क्या क्या होगा। भाई साहब ये नंदी महाराज को देखो कितने बड़े बना रखे साइज में, ये सारे सेवक हैं इनके महादेव जी के, और वो फ्रंट में महादेव जी का मंदिर है एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया कलाकारी कर रखी है भाई, बहुत पुराना बना हुआ है ना, तो यहाँ से ही ऊपर सारा व्यू दिखता है, अच्छा अच्छा कैंड बढ़िया एकदम। बस अब फटाफट माथा टेकते हैं और यहाँ से निकलेंगे, पीछे मंदिर दिख रहा है, यहीं से एक खम्भी निकाल लूँगा ऐसे। कलाकारी देखो यार, कलाकारी का फैन है, क्या मस्त कलाकारी हो रखी है। वहाँ पे तो दर्शन कर लिए, वहाँ पे ना प्यार से जो स्टोन्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होते हैं ना, वैसे ही एक शिवलिंग थी वहाँ पे,
भाई बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक लग रहा था। आप भी सब प्लान बनाओ, यहाँ पे सोलन में जटोली महादेव टेंपल है, यहाँ प्लान बनाओ आने का, गूगल पे लोकेशन डालो मिल जाएगी एकदम। भाई मतलब बता नहीं सकता, आके दर्शन करना फिर बताऊँगा कैसी फीलिंग है। बाकी ये शिवलिंग है यहाँ पे, इस पर पानी की जल जूल चढ़ाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे भी एक शिवलिंग है, यहाँ पे मस्त बढ़िया दिल से जल चढ़ाया, जितनी मेरी सेवा हो सकती है मैंने उतनी करी। भाई आई यू महादेव से ना एक अलग ही लगाव हो गया, इनके आने के बाद ना चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरी अच्छी हो सुधर गई है ना भाई, बता नहीं सकता। लाइफ एकदम ना बढ़िया ट्रैक पे चल रही है, तो इस इनका ना हमेशा थैंकफुल है, हमेशा ही थैंकफुल है। जितना थैंक कम करूँ ना उतना ना सॉरी जितना ज़्यादा थैंक करूँ ना उतना कम है इनके लिए। बस ऐसे ही सीधे रास्ते पर चलाए रखना हमेशा, मस्त। सो वहाँ खड़े हैं बातें कर रहे हैं, हम भी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से व्यू देखो कितना सही लग रहा है। आना ज़रूर एक बार, यहाँ पे ना चटोली महादेव टेंपल है, आना ज़रूर एक बार दर्शन करके जाना भाई, बहुत प्यारा शिवलिंग है यहाँ पे। शिवलिंग देख के आप अट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। देखो गरुड़ पे सवार और यहाँ से टेंपल देखो क्या प्यारा लग रहा है, क्या प्यारा लग रहा है। यहाँ पे नीचे क्या चल आशु, अरे उनकी खींच दी आशु भाई ने नवा काम शुरू कर दिया, अब वो फोटो खींचता है दूसरों की। भाई ये सांप देखो क्या सही बना रखा है ना भाई, ये ही आर्ट इसे कहते हैं आर्ट भाई साहब। साइड से दिखाता हूँ मंदिर क्या बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया भाई साहब, आना जरूर एक बार भाई, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह ये मस्त पड़ा है वहाँ, ठंडी ठंडी टाइल है ना, आराम से सो रहा है मस्त, टेंशन फ्री हो गए, शील कर रहा है बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल सामने। अंदर फोटो वीडियोज अलाउड नहीं है, अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। चलो अभी अब जटोली टेंपल से हम यहाँ से निकल रहे हैं और बाय बाय करते हैं। बस महादेव जी ऐसी कृपया बनाए रखना और खुश रखना हम सभी को, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मंदिर से तो नीचे उतर गया थोड़ा, बाहर को भी आ गए, पर ये नहीं पता अभी कौन सी रोड पे लेके आ गया, वो मुझे तो याद भी नहीं कि हम इस रोड से आए थे कि नहीं। इनको एक बार बोलता हूँ यार कि कंफर्म यही रोड है ना जिससे हम आए थे। देख 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 कर दी लस्सी, ओ भाई इसी से आए थे, यही रोड है इसी से आए थे हम। मक्का इसी से रोड से आए थे तो यहाँ है केटीएम पक्का। चलो भाई, अरे ओए रुक जा, पता नहीं क्या सीन है इनका। ये देख रहे हो सारी की सारी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे, पीछे भी पूरी पार्किंग गार की है, दबा के एकदम। ओए खड्डा, यहाँ पे ऐसे खड्डे बहुत है, सवेरे सारा ट्रैफिक हो रहा था तो यार ये रोड से ही करानी चाहिए ना, बहुत बुरा हाल है। लाइन में लगी हुई है सारी गाड़ी और ये दोनों ना आगे निकल गए, मैं इतने हॉर्न मार रहा हूँ इन्हें रोक रहा हूँ, रुक नहीं रहे हैं। और ये नहीं कि पीछे भी देख ले कोई आ रहा है कि नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी है इन्हें। ये सारी बसेस वगैरह सारी वहीं से आई है, चंडीगढ़ से सारी की सारी, बता देख रहे हो पीबी नंबर, ये भी पीबी नंबर है, सारी गाड़ियाँ वहीं की है भाई ये। तभी आज सवेरे आज तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक और जाम था, पूरी रोड भरी पड़ी थी पूरी रोड भाई। देख रहे हो इस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी है, उस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी है भाई, और जाम इतना गंदा लगा था ना, पंचकूले रह गया 55 किलोमीटर, दोनों साइड जाम लगा था और सवेरे क्रॉसिंग भी नहीं हो रही थी, पूरा जाम था, पूरा जाम था। फिर से गलत टाइमिंग पे आ गया लग रहा आज, कोई बात नहीं, बाकी उन महादेव जी ने बुलाया था तो आज की मस्त राइड हुई है एकदम मस्त।
क्या पावर है, क्या फील है यार। बस बम्पिंग होता है यहाँ पे ना, बम्पिंग चक्कर में थोड़ा सा टफ होता है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ओ भाई क्या बात है, पता नहीं कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल बाहर निकलते ही। तो यहाँ पे हम बाइक को स्लो कर लेंगे, स्लो। अबे दिख नहीं रही तीसरी कहाँ है, फिर गएगा बाइक नहीं ली। हाँ तीनों बाइक लगा दी यहाँ पार्क, और हमेशा की तरह अंकल के डब्बे पे हम आ गए हैं। और ये रही हम इधर बैठे हैं, मस्त हवा चल रही है, क्या लोकेशन है, परोठे कराए हैं, मस्त परोठे खाते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से घर को। वाह कुछ छाव पे बैठ गए। क्या लिए घूम रहा तू, रसना सा? खाना खुना खा के निकल गया और अब जाएंगे फटाफट नीचे। नींद आ रही थी यार बहुत तेज, बैठे बैठे नींद आने लगी, आलस आने लग गया, इसलिए बस फटाफट खड़े हुए और चले। और यहाँ से सीधा जाएंगे हम चंडीगढ़, कार्तिक को थोड़ा सामान लेना है तो घर भी नहीं जाएंगे, बाकी आशु भाई जाएगा सीधा जॉब, वहाँ पे एंड टाइम पे मिल के फटाफट निकलते हैं। भाई साहब आलस आ रहा है सही में मेरे को, देखूँ रुक के कहीं पे ना पानी पियेंगे आगे, पर अभी नहीं, अभी तो निकल गया। वो क्या बात है, मेरी जान बहुत प्यारी चल रही है आज। वो देख रहे हो सामने, देख रहे हो लगा रखी है मेरे ख्याल से। चलो जो भी है, ब्लैक को तो एकदम क्यों देखता है, पता नहीं कौन सी बाइक जा रही हो ये। अरे बहुत अच्छा कलर है, फॉर माय फादर साहब चॉइस, ये ब्लैक कलर अपने फादर साहब ने चूज किया था ना, मैं तो रेड ले रहा था क्योंकि आई लव पैन गैले, फेवरेट माय फेवरेट बाइक है भाई। वो देखो 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 किस चीज़ की जल्दी है, कौन से दौरे पड़ गए इसको। क्या स्पीड है ब्रो, प्यार है भाई बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है मेरी जान, लव यू बेटा। भाई गर्म होगी पूरी, ठंडी हो रही है, रेडिएटर भी हो गया, चल रहा है फुल स्पीड में चल रहा है, और भाई दोनों रह गए पीछे। अब उनका कर रहा हूँ अब मैं वेट, फटाफट वो आते हैं और हम निकलेंगे। आशु भाई तो जॉब जाएगा और हम आप जाएंगे चंडीगढ़, उसकी बाइक का काम कुम देखने, जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ आराम से छाँव में। ओए रब्बा मज़ा ही आ गया भाई, संडे राइड और सम राइड, मस्त राइड। बस आज अपने भाई और नहीं आए, आई मिस ऑल ऑफ यू, मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो अपने लिए एक लाइक कर देना, बहुत मिस किया तुम सबको। यार भाई ट्रैम थी वो भाई, बहुत प्यारी है, बहुत भागती है वो, बहुत वहाँ साउंड सुन रहे हो क्या, सेक्सी साउंड थी उसकी। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, आशु भाई जाएगा ऑफिस अपने, हम जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। चेक आउट 220 ब्रो, ये भाई वे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बर्थडे तो चंडीगढ़ आ गया, अब सीधा जाएंगे 21। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, संडे राइड मस्त लगी हो, तो इस व्लॉग को करना प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट करना, हो जो चैनल पर नहीं हुआ हो जल्दी कर तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस भी और जल्दी जल्दी आती रहेगी। एंड कुछ नवा प्लान कर रहे हैं, कुछ नवा प्लान कर रहा हूँ आप सबके लिए, आई होप आपको वो अच्छा लगेगा और मस्त लगेगा। बस ऐसे स्पोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। और हाँ सेफ राइड एंड सेफ जर्नी। अरे भाई क्या काट रहा है ये बहन, जो पागल ही है बता यार। हाँ ले यार।
इन्हें यही नहीं पता कि रोड कौन सी है, चलाना कहाँ से है बता। चलो छोड़ो यार, बहुत बंदे टकरते ऐसे, मैं आते ब्लॉग में नहीं लाता, शूट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है सब। चलो इग्नोर करो। ये बात बेटे बता देख लो। अरे अभी तो क्लेम कराना है मेरी जान का, और तुम पहले ही खाने को फिर रहे हो। चलो जल्दी यार करते हैं, बाय बाय एंड लव यू गाइस। आई होप आप बहुत प्यारा सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई को, ऐसे ही बनाए रखना अपना प्यार। और वी कूल यूके 04 के राइडर रहे, एक लाइक फॉर दिस राइडर्स, वन लाइक फॉर दिस राइडर। चलो गाइस बाय बाय।